वीडियो में मैं आपको एक बार दिखाऊं, एक बार बताना चाहती हूँ कि हमने जो अभी रिसेंटली हम कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है, ये एक कार्यक्रम के ऊपर पूरा बेस कर रहा है, जो कि हमने मेरा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिलकर बनाया है, क़ाज़ा, जो हम लोग एक डार्क स्कून के लिए एक हमने पूरा एक प्लान बनाया था कि हम जाएंगे और इस तरह करेंगे, तो ये सब उसी को फॉलो करते हैं हमारा पूरा ब्लॉग जो आप आगे जाके देख सकेंगे। पहले मैं एक छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ क़ाज़ा के बारे में कि वो क्या है, वो किस तरह काम कर रहा है। क़ाज़ा इज अ प्योर उर्दू वर्ड जिसका मतलब होता है रेनबो। रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं और शेक्सपियर की थ्योरी है एक, और एक पोम है उसकी जिसमें उसने बताया हुआ है कि हर इंसान भी अपनी लाइफ में 7 स्टेजेस से गुजरता है। तो मेरे दिमाग में इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन बना था, तो मैंने ये सोचा कि ये हमारा जो एक ह्यूमन लाइफ सर्कल है वो भी रेनबो से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, और रेनबो एक वेरी ब्यूटीफुल थिंग जिसमें 7 कलर के रंग है और फुल ऑफ हैप्पीनेस है, तो मैंने इस तरह करके ये नाम रखा। अच्छा चल, इतना ही हो गया, मतलब इतना इंट्रोडक्शन आया था काफ़ी है, और इसके अलावा नाम का, और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर एज के और हर तरह के इंसान के लिए काम कर रही है। अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या फिर किसी तरह का भी आपको कोलैब करना हो, या फिर कोई भी चीज़ या डोनेशन पार्टनर जो भी देने हो, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क़ाज़ा का फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का अकाउंट, तो जिस तरह आप हम ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये स्टार्टिंग कहाँ से किया था। हमने सारी अपनी ब्लॉग से हमने टोटल
तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सामान उतारने में पहले तो हम लोग सारे 12 बजे स्टार्ट हुए थे सब सामान लेके जाना, और पूरी रात अफ्तारी के बाद से हम लोगों ने पूरी पैकिंग करी पूरी रात में और सब कुछ इसी तरह करते रहे। तो ये बहुत ज़्यादा एक टफ सिचुएशन थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली बहुत हो गया, और जितना मैंने सोचा नहीं था। वो कहते हैं अल्लाह ताला के कामों में खुद इतनी बरकत होती है और अल्लाह ताला खुद आपकी मदद करता, तो ये मैंने अपने आँखों से खुद मतलब एक होता है ना सेल्फ बिलीव और आपको खुद अल्लाह ताला खुद आपकी आँखों के सामने लेकर आते थे, तो ये इट वॉज समथिंग लाइक दैट। तो इसी तरह सब कुछ मेरे साथ हुआ है, ये सब खुद ही ब खुद ही इतना आसानी से सब कुछ होता रहा है। आई कैन एक्सप्लेन माई फीलिंग्स अबाउट इट, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है सब बहुत अच्छे से हो गया। चले हम आपको अब दारू की वीडियो दिखाते हैं जो हम लोगों ने वहाँ पे गए और सारे बच्चे से मिले हैं, सब बहुत अच्छा रहा। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना फ्रेंडली था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, वहाँ के बच्चे इतना प्यार करने वाले थे। पहले हम आपको वीडियो दिखा दें, फिर हम वहाँ के बारे में आपको गर्व से ब्रीफ करें, ठीक है? चले वो वहाँ की सारी वीडियो देखते Oh.
دے آر ریئلی انسپائر بائی دیئر ایوری تھنگ. ہم بہت انسپائر ہوئے, انہوں نے اتنا اچھا سب بچوں کو دیا ہوا تھا کہ میں جو بچوں آئی واز سیئنگ کہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ بہت اچھا سب کچھ دے رہے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. مطلب آپ ان کی آپ کی کلاسیں دیکھیں, میں آپ کو بولوں گی کہ آپ ان کی کلاسیں دیکھیں, ان کا سب بچے اتنا پیار کرنے والے ہیں, آپ آ کے دیکھیں. سب کو پڑھ رہا ہوں گا ابھی ہم بالکل ہم نے سب چیزوں کو لے کے فارغ ہوئے ہیں, اور کیا نام ہے, ہم ابھی یہاں پہ ایک پلے ایریا میں کلاس ہے, بلکہ ایک بہت اچھی کلاس, بہت اچھی کلاس ہے, اور دیکھیں کلاس نہیں مجھے پاکستان پرائیویٹ اسکول میں جو مطلب پرووائڈ نہیں کر رہا, اور ابھی ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پورا سسٹم ہے یہاں کا دارالسکون تو میری کیڈی چلا رہی ہے, تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی وومین اتنا اچھا کام کر رہی ہیں اور اتنا اچھا سیٹ اپ چلا رہی ہیں. تو ہمارا سارا دارالسکون کا پارٹ جرنی ہماری رہی ہے ان بچوں کے ساتھ, اور بہت میموریبل جرنی, بہت زیادہ میموریبل ٹائم رہا ہے ہمارا وہاں پہ, ایک بہت میموریز بنتی ہیں انسان کی. میری لائف کا بیسٹ ڈے, میری لائف کا سب سے اچھا جو پارٹ تھا نا انٹائر لائف کا, میری جو سب سے بیسٹ پارٹ تھا وہ تھا دارالسکون کا پارٹ. اتنا ہی اچھا رہا کہ ہم مطلب بہت زیادہ سب خوش آئے وہاں سے, اور سب اتنا زیادہ انتھوزیازم کے ساتھ باتیں کر رہے تھے کہ یار آپ کب نیکسٹ کرنے والے ہیں, سب بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ اب ہم کب نیکسٹ ایکٹیویٹی کریں گے, ہم کب جائیں گے, اس طرح کی سب باتیں کر رہے تھے. تو بڑا خوشی محسوس ہوئی ہمیں وہاں پہ جا کے. میں بچوں کے بارے میں وہاں پہ آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جتنی بھی ہم لوگوں نے اگر یہ ویڈیوز بنائی ہیں, یہ ساری کلپس ہیں, وہاں کے بچے خود ہمیں اتنا زیادہ بول رہے تھے کہ آپ ہماری ویڈیوز بنائیں, ہمارے ساتھ پکچرز لیں. تو وہ اتنا ان کو پتا تھا کہ پکچرز ہمیں لینی ہے یا یہ کرنا, ان لوگوں کو خود اتنا شوق تھا, تبھی ہم لوگوں نے اتنا زیادہ اور بھی کہہ رہا, نہیں تو ہمارے کوئی اٹس سیلف ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ ہم شو آف کر رہے ہیں یا ہم پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں یا ہم لوگ کو سوشل گینس چاہیے. ایسا اللہ کا کرم ہے, ہم لوگوں نے کبھی ایسا کچھ نہ سوچا ہے, اور ڈائی ہماری کبھی کوئی بھی انٹینشن اس طرح کی ہونی ہے, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوگی اللہ نہ. تو بس یہ سب چیزوں کو سوچتے ہوئے ان بچوں کی خوشی کے لیے ہم لوگوں نے زیادہ ایسا کرا, کہ وہ لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے, وہ کہتے ہمیں پکچر, جب ہم پکچر لیتے تھے نا ویڈیوز بناتے تھے تو ہم بیٹھ کے ان کو دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہاری ویڈیوز ہیں, ہم لوگ بلاگ آپ کو وہاں کی پکچر بھی دکھانے والے ہیں. اور خیر ابھی جو وہاں کے بچے تھے, میں ان بچوں کے بارے میں بتاؤں, اتنا پیار کرنے والے تھے, اور دے ور سو گڈ ان انگلش, مجھ سے ہر بچے وہاں کلاسیں باتیں کر رہا تھا, وہاں پہ اتنا پیارا ہے ایٹماسفیئر, بہت اچھا تھا سب کچھ, تو بڑی خوشی ہے. وہاں پہ کلاسیں اتنی اچھی بنی ہوئی, سب کچھ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ, آپ کو خود اندازہ ہوگا اس بات کا, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو جائیں, آپ کو خود جانا چاہیے, بیکاز ہمارا یہ فرض بنتا ہے ہماری سوسائٹی کو لے کے, ہمارے ملک کو لے کے, ہمارے لوگوں کو لے کے, کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ اچھا کریں اور لوگوں کے لیے کچھ ٹائم سے ایٹ لیسٹ ہم نکال لیں اپنی لائف سے, اپنی بزی اسکیڈول سے, کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ خود اتنا سیٹسفائی فیل کریں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ کچھ تو کرا ہے کسی کے, اور اس اتنا اسمائل لے کر آنا منچ میں جو ہمیں دیا گیا اللہ کی طرف رمضان میں,
तो कुछ ना कुछ हमें बिल्कुल करना चाहिए, और जो लोग करते हैं उनको तो बाकी उनको इनर सेटिस्फेक्शन होती होगी कि यार हमें जैसे हमें हुई है, जैसा हमें हुई है। हम बहुत खुश हैं, हम हालांकि बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थके हैं हम बेचारे के अंदर, और हम रोजे में सबको छोड़ा, सबके रोजे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा, और बाकी में जो भी साथ भाई के जितने भी जो टीम थी वो भी साथ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूँगी कि उसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी मेरी, और उनकी पूरी टीम की जो भी दोस्ती का उसने कहते ना हक अदा करना, उसने उस तरह किया है, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी। मेरी फैमिली का मैं बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहूँगी, मेरे मामा डैडी मामा ने बहुत ज़्यादा साथ, और हर मिजुआ हर एक बंदे का, हर एक पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज़ में इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं बहुत खुश हूँ। हसन का बहुत ज़्यादा थैंक यू, हसन और तो शॉपिंग हमारे साथ रहा है, बैग्स की परचेजिंग करने में हमें एक अलग जगह जाना पड़ा, तो इसके लिए हमें दो से तीन जगहों पर घूमना पड़ा, और एक बड़ी चढ़ाना, सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मतलब थी जो बहुत ईजी हुई हसन की वजह से और साथ की वजह से, तो बहुत अ बिग थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। तो अब हम यहीं पर अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे, और उस हर बंदे का बहुत शुक्रिया जिसने हमारे साथ पार्ट लिया, हर एक फ़ोटो कॉपी वाले कराने से लेकर वो टॉयज़ वाले तक, कुछ लोगों ने हमें एक्स्ट्रा टॉयज़ गिफ्ट भी करे, हर एक इंसान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमारा इतना हेल्प करी है, और यहीं पर मैं अपना ब्लॉग एंड करना चाहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो उसका सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करें जाके, और लाइक भी करें, थम्स अप दें, और बेल आइकन को प्लीज़ प्लीज़ प्रेस करें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा चैनल्स होते हैं, आप हमें कैसे जुड़ पाएंगे। और दूसरी बात, और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आप और अपने दूसरे दोस्तों को भी पहुँचाएँ या दूसरे दोस्तों को भी पार्ट बनना चाहते हैं, फंड हमें देना चाहते हैं, तो बेल हॉल में तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करें आप लोगों के साथ, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ अपने अकाउंट के दोनों के, इंस्टाग्राम और फेसबुक के दोनों का, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाके हमें फॉलो अप करें, तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और एटलीस्ट एक मैंने मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों के फेसेस पे स्माइल लिखा रहे, दिल से खुशी होगी। थैंक यू।